some maintenance like oiling. ये मशीन को थोड़ा ऑयलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है. तो टू ऑयल द मशीन फर्स्ट यू टेक आउट योर बेल्ट. दिस बेल्ट, इस बेल्ट को हमने इस तरह से निकाल देना है. देन टर्न योर मशीन दिस वे सो दैट यू कैन सी दिस मशीन डाउन पार्ट. फिर मशीन का ये नीचे वाला भाग दिखेगा. यू कैन सी सो मैनी होल्स आर देयर. इन दीज होल्स वी हैव टू पुट द ऑयल. तो इन होलों जो छेद दिखाई देंगे, होल दिखाई देंगे, उसमें एक ड्रॉप करके आप ऑयल डालेंगे. इसके साथ ही जो पार्ट रोटेट होते हैं उनमें भी ऑयल डालेंगे. इस तरह से ऑयल डालेंगे. सो ये मशीन बहुत ज़रूरी है आप कभी भी इस्तेमाल करने के पहले मशीन में ऑयल करें. बिफोर यू स्टार्ट मशीन देन ऑयल द मशीन एंड प्रीवियसली यू पुट द एनी रफ फैब्रिक देन यू स्टार्ट योर स्टिचिंग. आफ्टर बॉटम ऑयलिंग वी हैव टू रीफिक्स दिस बेल्ट. नीचे की ऑयलिंग हो जाने के बाद इस बेल्ट को फिर से लगाएंगे. फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द फ्रंट पार्ट दैट राइट हियर ऑन दिस व्हील, ऑन दिस व्हील. इस तरह से सामने की तरफ पहले लगाएंगे एंड देन ग्रेजुअली धीरे धीरे पीछे के पार्ट में भी लगाते चले जाएंगे. इस तरह से नीचे की तरफ फिक्स करते जाएंगे. नाउ दिस वे यू फिक्स एंड ऑन द बैक और पीछे की तरफ इस तरह से फिक्स हो जाएगा. नाउ दिस इज ऑयलिंग. हियर ऑलरेडी मार्किंग्स आर देयर, देयर वी कैन पुट वन ड्रॉप ऑफ ऑयल. यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर की तरफ छेद बने हुए हैं और निशान बने हुए हैं जहाँ पर कि हम तेल डालेंगे. बिफोर स्टार्टिंग स्टिचिंग ओनली यू ऑयल द मशीन सो दैट वाइल रोटेटिंग द मशीन विल बी लुब्रिकेटिंग वेरी नाइसली टू रन स्मूथ. मशीन में सिलाई शुरू करने के पहले ऑयलिंग करें जिससे कि जब मशीन चलेगी तो ये रोटेट होकर के पूरा ऑयल जो है ये मशीन को लुब्रिकेट कर देगा जिससे मशीन हमेशा स्मूथ चलेगी. इनमें दो नॉब हैं, एक ये और एक और दो नॉब हैं. इन दोनों नॉब को खोलने पड़ते हैं. या तो ये स्क्रू एक किसी मशीन में होते हैं जिसको स्क्रू ड्राइवर से खोलने पड़ते हैं या फिर आप ये इस तरह के नॉब होते हैं तो इनको आप स्लिप करके हटा के निकाल सकते हैं. इफ इट इज फिक्स्ड द स्क्रूज दैट यू हैव टू रिमूव विद द स्क्रू ड्राइवर. स्क्रू ड्राइवर से खोलने पड़ेंगे. देन टेक आउट योर शटल और इसको बाहर निकाल लें. बाहर निकालने के बाद आपका जो भी धागा फंसा हुआ है उसको आप वाइप कर दें और निकाल दें. कभी कभी इस पार्ट में भी धागा फंसा हुआ हो जाता है. देखिए इस इसमें अभी भी एक धागा अटका हुआ है. सो इस पार्ट को भी हमें वाइप कर लेना चाहिए. इसको भी आप कपड़े से वाइप कर लें. इस तरह से कपड़े से वाइप कर लें. वाइप इट. Sometime the thread stuck here in this part or sometime thread stuck in this part also. देखिए दिखाई दे रहा है ना, thread stuck in this part also. This is the thread. So remove all those, wipe it properly. इसको अच्छी तरह से आप wipe कर लें, पुराने किसी भी रफ कपड़े से साफ कर लें. Then this part also, this is the shuttle part. ये shuttle part है. ये shuttle part को भी wipe कर लेना चाहिए. Placing the shuttle, we have to wipe this part also. If some
fibers or some threads will be stuck here, we should clean it. अगर शटल को वापस लगाने के पहले हमें इस पार्ट को भी वाइप कर लेना चाहिए. अगर कोई कपड़े के रेशे या कोई धागा यहाँ पर अटक गया हो तो वो निकल जाएगा. दिस शटल पार्ट ऑल्सो यू शुड वाइप इट, इसको भी वाइप कर लेना चाहिए. वाइप कर लेने के बाद देन अगेन वी हैव टू फिक्स दिस शटल इन दिस मशीन पार्ट. इसको वापस से हम शटल को लगाएंगे. Now fix the other part of this shuttle also. In this nail will insert in this cut. Shuttle के बाद का और एक जो भाग है वो हम इस तरह से इसमें fix कर देंगे और इस clamps, इन clamps को वापस घुमा के अपनी जगह पर ले आएंगे. और then fix your clamp again, refix these clamps. और एस इफ यू हैव द स्क्रू यू हैव टू टाइट विद द स्क्रू ड्राइवर. अगर स्क्रू है तो स्क्रू ड्राइवर से टाइट करने पड़ेंगे. आफ्टर प्लेसिंग योर शटल अलाउ नीडल टू गो इनसाइड वंस. इफ देयर इज एनी साउंड देन रीफिक्स द शटल और इफ देयर इज नो साउंड दैट मीन्स द शटल फिक्सिंग इज करेक्ट. एक बार शटल को फिक्स कर लेने के बाद सुई को नीचे एक बार के लिए जाने देंगे. बैलेंस व्हील को हाथ से घुमाइए और सुई को जाने दीजिए. अगर कोई आवाज़ नहीं आती है तो इसका मतलब शटल ठीक है. और अगर आवाज़ आती है, सुई की पॉइंट जो है वो शटल से लगती है, तो आप शटल को फिर से लगाएं. हाउ टू चेंज द नीडल ऑफ दिस मशीन. सो दिस इज द नीडल क्लैंप. Always check that the foot should be down and rotate this, open this needle clamp. सुई बदलने के लिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि मशीन का नीचे की तरफ रहे और इस नीडल क्लैंप को हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलेंगे. इस तरह से खोलेंगे. खोलने के बाद आप दूसरी सुई ले लें और दूसरी सुई लेकर के इस तरह से लगाएं. मशीन की सुई का ये हिस्सा, एक हिस्सा बिल्कुल फ्लैट होता है. दिस इज़ द फ्लैट पार्ट ऑफ दिस नीडल. दिस इज़ द शैंक पार्ट. वन साइड इट इज़ फ्लैट, अदर साइड इट इज़ कर्व्ड. एक तरफ ये फ्लैट होता है और एक तरफ राउंड होता है. ये फ्लैट पार्ट जो है हमें इसके अंदर फिक्स करना है. दिस वे यू हैव टू फिक्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड. लेफ्ट की तरफ हमने इस नीडल क्लैंप में इसको जो फ्लैट पार्ट है, हिस्सा है, वो हमें इसके अंदर डालना है. इसके अंदर ये इस तरह से सुई चली जाती है. सो मैक्सिमम हाउ मच इट गोज लेट अलाउ इट गो. ये जितना ज़्यादा ऊपर तक चले जाता है मशीन और एक जगह पर फिक्स होकर रुक जाता है, वहीं पर जाने के बाद आप फिर से इस क्लैंप को टाइट कर दें. टाइट करने के बाद अलाउ दिस नीडल टू गो वंस डाउन सो दैट इफ इट इज़ नॉट हिटिंग द शटल देन इट इज़ ओके और एल्स रीफिक्स द नीडल. अगर कोई आवाज़ नहीं आती है, नीडल शटल से नहीं टकराता है, तो आपकी सुई सही तरीके से लगी है, नहीं तो फिर से लगाइए. इस तरह से सुई फिक्स कर सकते हैं.